दोस्तों, पैसा कमाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल काम होता है। पैसा कमाना आसान तो होता है, लेकिन अगर हमें सही रास्ता पता हो तो आसान होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम होता है। आज मैं आपको पैसे कमाने के लिए चार ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे ट्रस्टेड तरीके बताऊंगा जो आपको 2022 के स्टार्टिंग से ही आपको अर्निंग देने लगेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है, आज मैं ऐसी चार चीज़ें आपको टॉपिक बताऊंगा ऐसे जिनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। अगर आपकी एज 13 साल से लेकर 18 साल या उससे ज़्यादा है और आप कुछ करते नहीं हो, या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, या फुल टाइम भी देना चाहते हो उसमें और अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। और फालतू में आप इंटरनेट पर ये देखते रहते हो कि अर्निंग ऐप बताओ, ये बताओ, फलाना ठिकाना बताओ, उस पर आप सारा दिन काम करोगे फिर भी 10-20 रुपये ही जनरेट कर पाओगे, क्या मतलब है। अगर मैं आपको ऐसे चार तरीके बता दूं, उनमें से अगर आपको एक तरीका भी पसंद आता है तो आप महीने के 50 से 70 हज़ार रुपये उठा सकते हो आसानी से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब बिना किए वीडियो देख कर चले जाते हो, निकल लेते हो, और लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं डालते हो कि मैं किस टाइप का टॉपिक बनाऊँ जो आपको पसंद आए। इस बार इस वीडियो में कमेंट ज़रूर डालें कि किस टाइप का टॉपिक बनाऊँ आप लोगों के लिए, और मैं उसी टाइप का टॉपिक लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो हमारा पहला तरीका है, यानी कि पैसे को अर्न करने का जो हमारा सबसे अच्छा और सबसे घरेलू तरीका है, पहला, उसे सुनिए। तो वो पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग से आप कैसे कमा सकते हो? फ्रीलांसिंग में देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आपके सोच से भी परे ज़्यादा पैसा मिलता है, अगर आप 5 मिनट भी काम करते हो ना, अगर आपको थंबनेल बनाना था, कंटेंट राइटिंग की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है अभी। कंटेंट राइटिंग क्या है? आप वेबसाइट के लिए कंटेंट राइट कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट के लिए कर सकते हो, या किसी स्क्रिप्ट को लिख सकते हो। भाई अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है, यानी कि लिखने में, और आप अच्छा लिख सकते हो, अच्छे से अच्छा लिख सकते हो, यानी कि कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो उसमें आपको एक एक कंटेंट राइटिंग के आपको $56, $57 में आपको इन सब वेबसाइट का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इन पर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। और वो काम सिर्फ 1 घंटे में हो जाता है, कंटेंट राइटिंग का काम 1 घंटे में हो जाता है। आप एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कंटेंट राइट कर सकते हो। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कंटेंट राइट करते हो तो उसमें भी आपको $100 मिलते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। आप उनको पब्लिश कर सकते हो, यानी कि उनको दे सकते हो, और वो आपको पैसा दे देंगे, वो आपका पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आपके आ जाएगा। अब ये काम कैसे होता है वो आपको मैं आने वाली वीडियो में, अगर आपने इस कमेंट सेक्शन में भर के कमेंट किए तो आने वाली वीडियो में मैं फ्रीलांसर के बारे में पूरा वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलते हैं हम अपने दूसरे तरीके की तरफ, जो 2022 में दूसरा तरीका जो है, जो 2022 में आने वाले, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देगा। अब वो तरीका क्या है? तो वो तरीका है आपका ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग किस किस चीज़ में काम आती है? अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग होती क्या है? जो आपने मेरे वीडियो पे क्लिक किया है, थंबनेल को देख के क्लिक किया है, वो भी एक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है। फेसबुक पे पोस्ट देखते हो जो, वो भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है। हर एक चीज़ में ग्राफिक्स डिज़ाइन होता है। अब ग्राफिक्स डिज़ाइन अगर आपको थोड़ा सा भी आती है, अगर आपको थंबनेल क्रिएशन आता है, यानी कि थंबनेल को बनाना और पब्लिश करना आता है, यानी कि अच्छे से बनाना आता है एक एडवांस तरीके से, तो उसमें भी आप ज़्यादा नहीं तो $20 से $30 आप कमा सकते हो इसी फ्रीलांसिंग साइट से। आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। मैंने कहा ना, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो इसके बारे में पूरा वीडियो लाऊंगा कि इसकी अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसमें पैसे कैसे कमाते हैं और पैसे अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करते हैं। तो भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अगर आपको थंबनेल बनाने में, यानी फोटो डिज़ाइनिंग में अच्छा खासा नॉलेज है तो। अब बात करते हैं हम ब्लॉगिंग की। अगर आपको टाइपिंग अच्छी लगती है, यानी कि जो टाइपिंग होती है ना, टाइपिंग अगर आपको पसंद है तो उसमें भी आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। कैसे? आप ब्लॉगर बन सकते हो। ब्लॉगर मतलब एक फ्री, जो फ्री वेबसाइट है गूगल, फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ब्लॉगर्स के लिए। अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट को रन करो, उसमें ब्लॉग लिखो, अपना न्यूज़ लिखो। न्यूज़ ब्लॉग में क्या क्या आता है? देखो न्यूज़ आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और क्या कर सकते हो? आप अपने छोटे छोटे शहरों का न्यूज़ लिख सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, उसका SEO करके आप अच्छा अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। यानी कि एक महीने में हज़ार डॉलर का मतलब होता है चौहत्तर पचहत्तर हज़ार रुपये अगर महीने का कमाओगे तो बताओ, एक सरकारी नौकरी से ज़्यादा तो आप कमा ही रहे हो। सरकारी नौकरी क्या कहती है? मैं आपको कभी भूखा मरने नहीं दूंगी और आगे बढ़ने नहीं दूंगी। भूखा ना मरने देगी ना आपको आगे बढ़ने देगी, जहां पे हो वहीं रखेगी जिंदगी भर। इसलिए मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप कभी भी नौकरी करो और गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहो। आपको अपने खुद के टैलेंट पे कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग हो, यूनिक हो। इसलिए आप कंटेंट राइटिंग में अगर इंटरेस्ट है तो आप टाइपिंग करके कंटेंट राइट कर सकते हो अपने ब्लॉगर को और अपने ब्लॉग को आगे बढ़ा सकते हो। अपने नीच पे काम करो
तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और मैं आपको चौथा तरीका जो बताता हूँ वो है आपको यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा तरीका है जो कि जैसे कि मुझे देख रहे हो, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं भाई अपना टाइम लॉस करके फालतू में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना टाइम को खोटी करके फालतू में वीडियो नहीं बना रहा हूँ यूट्यूब, क्योंकि मुझे इसका पैसा देता है। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, वहाँ पे जाके देखिए मुझे एक वीडियो से कितना रुपये मिलता है। अभी तो ज़्यादा व्यू भी नहीं आते फिर भी इतना रुपये मिलता है, यानी कि मुझे 100 व्यू पे $8 या $10 मिल जाते हैं। तो बताइए 1000 व्यू पे कितना रुपया मिलेगा मुझे, 100 तो डॉलर पहुंच जाएगा ना अगर आप 1000 व्यू दे देते हो तो। कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की, एक्सप्लेन करने की, तो भाई इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। तो अब मैं बात कर रहा था यूट्यूब की, यूट्यूब में कैसे पैसा मिलता है। यूट्यूब में पैसा ऐसे मिलता है कि आप वीडियो बनाते हो, अब आपका इंटरेस्ट किस नीच में है, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, आप किसी को बहुत अच्छे से हंसा सकते हो और आप किसी को बहुत अच्छे से रुला सकते हो, या आप सिंगिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, आपका टैलेंट किस चीज़ में है, आपका टैलेंट जिस भी चीज़ में है आप उस चीज़ को अपना हथियार बना के यूट्यूब पे लाओ और खड़ा कर दो, क्या पता आप वायरल हो जाओ और आपकी ऑडियंस आपको इतना पसंद करे, इतना पसंद करे कि मैं क्या, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपके मुकाबले खड़ा हो सके, आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। इसलिए इस मतलब इस वीडियो में तो सिर्फ 2022 में कमाने की सिर्फ 4 ही चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो कि एकदम रियल हैं, यूनिक हैं और रियल में पैसा देते भी हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो में कमेंट करना है कि अगर आप ऑफलाइन, अगर आप ऐसे गांव के एरिया में रहते हो जहां नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वहां पे मैं ऑफलाइन पैसे कमाने के कुछ ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अपने आप पॉकेट मनी भी सेव कर सकते हो। और भाई एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आपको अर्निंग नहीं देते हैं, आपका टाइम लॉस करते हैं, उस टाइम में आप कुछ ऐसा सीख लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा जिससे अच्छा खासा आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकते हो और इन फ्यूचर आप उस पर ग्रो करो तो भाई आपको आपका टाइम और आपका फ्यूचर लॉस ना हो, समझ गए हो। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। Thank you.